हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एयरटेल डीटीएच का आपका रिचार्ज हो गया फ्रेंड, तब आपका रिचार्ज काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, वर्क नहीं कर रहा, शो नहीं हो रहा, कुछ भी आपका पिक्चर टीवी शीवी कुछ भी इस पर नहीं दिखा रहा है दोस्तों, तो आप इसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों इसी भैया आधे घंटे के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने कैसा सॉल्व किया वो आपको बताने वाला हूं फ्रेंड। इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया दोस्तों। मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत जन को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और बहुत जन पूछे भी मुझे कॉमेंट करके। तो चलिए हम जानते हैं कैसा कर सकते हैं। तो हमको अपने जीमेल के ऐप में जाने का फ्रेंड, यहाँ से हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व होएगा। बिना रिक्वेस्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो कॉम्पोस्ट में आपको क्लिक करने का फ्रेंड, यहाँ देखिए कॉम्पोस्ट में जीमेल पर कंपोस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ टू सब्जेक्ट और फिर कंपोस्ट ईमेल होता है। तो इधर हमारा जो रजिस्टर नाम होता है, क्या आपके घर में आपका नहीं है तो किसी और का भी होगा, उनका भी आप नाम डाल सकते हो। जिसका भी रजिस्टर नाम है एयरटेल डीटीएच में, उसका ही नाम डालना है आपको, अपना नहीं डाल लेने का है। तो उनको मालूम पड़ेगा ऐसा आपके किसके नाम पर है, और उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है फ्रेंड। तो आपका सरनेम के साथ लिखना, जितना भी आपने नाम दिया होता पूरा लिखने का, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर जो एयरटेल के डीटीएच में आपका रजिस्टर नाम है और फ़ोन नंबर डालना है, दोनों चीज़ रजिस्टर होना चाहिए आप याद रखें। नहीं है तो पहले रजिस्टर करा लीजिए, उसके बाद ही आपको ईमेल भेजना है, तो आपको ईमेल नहीं भेजने का है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं फ्रेंड। और इधर हम क्या करेंगे, माय लिख लेंगे, माय डीटीएच रिचार्ज नॉट वर्किंग। इधर आपको आगे लिखना है प्लीज़ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश लिखना है फ्रेंड, आपका वो अपडेट नहीं हुआ है, आपका रिचार्ज हो जाता है इसके लिए, पर अपडेट नहीं हुआ है इसकी वजह से आपको शो नहीं हो रहा, तो हमको रिफ्रेश कराना पड़ता है। प्लीज़ रिफ्रेश माय रिचार्ज एंड एक्टिवेट माय एक्टिवेट डीटीएच प्लान। दोस्तों इतना लिख लेना है, माय डीटीएच रिचार्ज नॉट वर्किंग, प्लीज़ रिफ्रेश माय रिचार्ज एंड एक्टिवेट डीटीएच प्लान। अब हम आ जाएंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब दोस्तों किस बारे में है सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं। तो हमारा क्या का सब्जेक्ट है, एयरटेल डीटीएच काम नहीं कर रहा, तो यही आपको लिखना है एयरटेल डीटीएच नॉट वर्किंग, एयरटेल डीटीएच रिचार्ज नॉट वर्किंग आपको इतना लिख लेने का। और किसको भेजना है हमको, देखिए एयरटेल वाले को भेजने का, आपको एयरटेल के वेबसाइट पर भी जाके, ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा ईमेल आईडी उनकी 121@in.airtel.com। तो आप इधर रुका के भी देख सकते हैं, आप एयरटेल किससे भी पूछ सकते हैं, एयरटेल के कस्टमर केयर को कॉल करके भी ईमेल आईडी ले सकते हैं। तो आप एयरटेल के कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए और वहाँ से आप ईमेल आईडी ले लीजिए। ये कि कभी कभार दोस्तों यहाँ अपडेट होती रहती है, इसके लिए यहाँ आपसे कॉपी नहीं करनी है, एयरटेल वाले से लेने का है, तो आप एयरटेल वाले को कॉल करके ले लेना। तो अब मैं इधर सेंड कर दिया दोस्तों, आपको ऊपर एरो दिखा रहा था उसको भी क्लिक करके मैंने सेंड कर दिया। तो हमारा ये जा चुका है अभी, अब हमको क्या होगा दोस्तों, एयरटेल वाले की तरफ से कॉल आएगा या आपको कभी ईमेल आ गया। तो दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है, एक्टिवेट नहीं हो रहा, आपका रिचार्ज नहीं चल रहा, सब सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। आप चाहे तो एयरटेल वाले को कॉल भी कर सकते हो, एयरटेल डीटीएच वाले होते फ्रेंड्स, उनको कॉल कीजिए और बोलिए हमारा रिचार्ज को रिफ्रेश कीजिए। कभी कभार दोस्तों बहुत कॉल के लिए लगता नहीं है, बिजी होता है, तो इसके लिए आपको ईमेल करने का मैंने बता दिया दोस्तों। कॉल बहुत जिनका नहीं लगता है उनसे बात नहीं हो पाती है। फ्रेंड इतना से प्रोसेस करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो आधे घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको कॉल आएगा तो आपको पिकअप कर लेने का, और जो वो आपको बोलेगा वो आपको टीवी में कर देने का, तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका चैनल नहीं आ रहा है वो चलने लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो आप इसे आपको एक बार रिटर्न देख लेने का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा हमने क्या किए। और उसके बाद दोस्तों मेरा भी ऐसा आ रहा था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो आपका भी हो जाएगा फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।